महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 के 19वें मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। ये मैच ग्रुप ए की टीमों के लिए सेमीफाइनल की रेस को देखते हुए काफी अहम था, जिसमें टीम इंडिया भी शामिल थी। लेकिन इस मैच में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते पाकिस्तान के साथ साथ भारतीय टीम भी सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई। इसी के साथ ही ग्रुप ए से ऑस्ट्रेलिया के बाद अब न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हालांकि इस मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान सोफी डिवाइन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 110 रन बनाए। न्यूजीलैंड के लिए सूजी बिट्स ने शानदार 28 रन बनाए और ब्रूक हेल्डे ने 22 रनों का योगदान दिया। उसके अलावा कप्तान सोफी डिवाइन ने 19 और जॉर्जिया क्लबर ने 17 रनों का योगदान दिया। वहीं पाकिस्तान के लिए नसरा सधु ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट लिया। उसके अलावा उमिमा सोहेल, निटा डर और सादिया इकबाल ने एक एक विकेट चटकाई। वहीं 111 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम ने महज 56 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान के लिए कप्तान फतिमा सना ने 21 रन और मुनीबा अली ने 15 रनों का योगदान दिया। उसके अलावा पाकिस्तान के कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक पार कर पाया। और नतीजन ये रहा कि पाकिस्तान की टीम को 54 रनों से इस मैच को गंवाना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के लिए गेंदबाजी में एमेलिया कर ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट चटकाए और इडन कार्सन को 2 विकेट मिला। उसके अलावा फ्रेजोन्स, रोजमेरी मार और लिया तहोहु ने एक एक विकेट चटकाई। दोनों टीमों के बीच खेले गए इस मैच पर टीम इंडिया का भी नज़र थी। दरअसल इस मुकाबले में पाकिस्तान की जीत टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचा सकती थी। वहीं पाकिस्तान अगर बड़े अंतर से जीतती तो वह खुद भी सेमीफाइनल में अपनी जगह बना सकती थी। लेकिन पाकिस्तान की टीम को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते 4 मैचों में 3 जीत के साथ न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दूसरी टीम इंडिया ने पॉइंट्स टेबल में तीसरे और पाकिस्तान चौथे स्थान पर रही। टीम इंडिया इस बार टी20 वर्ल्ड कप 2024 में ग्रुप स्टेज के दौरान 4 मैचों में से 2 ही मैच जीत सकी। उसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। वहीं पाकिस्तान की टीम 4 मैचों में से सिर्फ 1 मैच में बाजी मार सकी। उसने श्रीलंका को हराया था। इसके अलावा उसे बाकी सभी टीमों के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी। इसी के साथ टीम इंडिया का एक बार फिर आईसीसी ट्रॉफी जीतने का सपना चकनाचूर हो गया है। भारत आज तक महिला टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है। अब एक बार फिर उसका वर्ल्ड कप उठाने का सपना चकनाचूर हो गया है। भारत के सेमीफाइनल में जाने का समीकरण कुछ ऐसा था कि पाकिस्तान हर हाल में न्यूजीलैंड को हराए तभी वो सेमीफाइनल में जगह बना सकता था।